दोस्तों नमस्कार। इस वक्त की बालोतरा से दुखद खबर निकल के आ रही है। बालोतरा जोधपुर रोड पर एक कार और ट्रेलर के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे में कार सवार एक व्यक्ति की मौके पर ही दर्दनाक जो है मौत हो गई है। हालांकि वहां पर प्रत्यक्षदर्शी जो लोग हैं उनका कहना है कि इस हादसे में जो है 2 से 3 लोगों की हताहत होने की खबर जो है वह भी निकल के आ रही है और एक व्यक्ति की जो है दर्दनाक मौके पर ही मौत हो गई है और 3 जो घायल हुए लोग हैं उनको जो है जोधपुर रेफर कर दिया गया है। हादसे की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची है। शव को कब्जे में लेकर जो है में रखाया गया है। वहीं घायलों का जो है प्राथमिक इलाज के बाद में जो है जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। पचपदरा सीआई सहित पुलिस जाब्ता जो है वो मौके पर पहुंचा है। क्षतिग्रस्त हुए वाहनों को जो है साइड हरवा कर वहां से जो है जाम लगा हुआ था वो खिलवाया गया है। इस वक्त की दुखद खबर बालोतरा से निकल के आ रही है। एक ट्रेलर और कार के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई है। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। पुलिस ने एक व्यक्ति की मौत की पुष्टि जो है वह की है। वहां पर प्रत्यक्षदर्शी लोगों का कहना है कि 2 से 3 लोगों की हताहत होने की खबर जो है वह निकल के आ रही है, लेकिन पुलिस ने एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत की पुष्टि जो है वह कर दी है। बाकी 3 जो घायल लोग हैं उनको जोधपुर के लिए रेफर कर दिया गया है। इस वक्त की सबसे बड़ी और दुखद खबर बालोतरा से निकल के आ रही है। बताया जा रहा है कि जो कार सवार थे वो बाड़मेर के हैं और जो जोधपुर की तरफ जा रहे थे। इस बीच जो है बालोतरा के पचपदरा के पास में जो है ये हादसा हुआ है। ट्रेलर और कार के बीच में ये जबरदस्त भिड़ंत हुई है। जिस तरीके से आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं कि कार किस तरीके से क्षतिग्रस्त हुई है। हादसे में एक व्यक्ति की दर्दनाक मौत हो गई है। वहीं 3 लोग जो है गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, उनको जोधपुर रेफर किया गया है। लगातार बढ़ती दुर्घटनाओं को देखते हुए हम हमारे तमाम दर्शकों को ये अपील करना चाहेंगे कि वाहन चलाते समय सीट बेल्ट का प्रयोग करें और वाहन की स्पीड धीमी रखें। लगातार ऐसी खबरें जो है वो हमारे सामने निकल के आती रहती हैं, तो सावधानी बरतें। तो जुड़े रहे तमाम प्रकार के अपडेट के लिए द खटक के साथ। मैं आपका साथी जसवंत सिंह शिवकर।